गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी ग्रामर के चैप्टर में कल वीडियो में हमने विशेषण को पढ़ा था और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम संज्ञा शब्दों से नए विशेषण शब्द बनाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हम फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव सीखने वाले हैं। मतलब जो विशेषण होते हैं वो कुछ तो फिक्स होते हैं कि विशेषण है तो विशेषण ही रहेंगे, है ना, जैसे गोरा, काला, पतला, मोटा, ठीक है। अब कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिन्हें हम बना सकते हैं, किन से, संज्ञा शब्दों से। संज्ञा शब्द दिए जाएंगे और उसमें कुछ मात्राओं का चेंज करके, कुछ नए अक्षर जोड़कर उनको हम विशेषण में बदल देंगे और उनको विशेषण की तरह हम यूज भी कर सकते हैं। देखो, जैसे संज्ञा शब्दों से इस प्रकार से विशेषण बनाए जाते हैं। शब्द है आपका पुष्प, पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल, और फूल तो नाम है, जातिवाचक संज्ञा है, इससे हमने विशेषण बना दिया पुष्पित, पुष्पित, अब ये हो गया विशेषण। जैसे हमने बोला पुष्पित मूर्ति, मतलब ऐसी मूर्ति जिस पर फूल चढ़ा दिए गए हैं, फूल रख दिए गए हैं, तो वो हो गई आपकी पुष्पित मूर्ति। तो ये पुष्प हो गया संज्ञा और पुष्पित हो गया विशेषण। इसका कोई रूल नहीं है। अब आप मुझसे पूछो कि मैम ये तो बड़ा कठिन लग रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कैसे बनाना है, तो इसका कोई रूल नहीं है। मैं आपको कोई नियम नहीं बता सकती हूँ कि ऐसे ऐसे कर देना तो विशेषण बन जाएंगे, ये तो आपको पढ़ पढ़ के समझ समझ के ही आएंगे। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि छोटी की मात्रा लगकर विशेषण बन जाते हैं। जैसे आत्म, आत्म मतलब खुद का, खुद मतलब, आत्म मतलब खुद संज्ञा है और इससे विशेषण बन गया आत्मिक, आत्मिक मतलब खुद का, अपना। जैसे मैंने बोला कि मेरा मेरे दोस्त से बहुत आत्मिक लगाव है, आत्मिक लगाव का मतलब मेरा पर्सनल लगाव है, पर्सनल अटैचमेंट है, खुद से अटैचमेंट है, तो ये हो गया आत्मिक। अब इसमें छोटी ही लग गई, अब इसमें तो ता लगा था और इसमें का लगा है, तो बताया ना मैंने, रूल नहीं है इसका कोई, ये तो आप पढ़ो समझो और सीख लो। अब जैसे एक और शब्द है मास, मास का मतलब क्या होता है, माह, महीना, और इससे विशेषण क्या बन गया, मासिक, मासिक, ठीक, मासिक शुल्क लगता है। कौन कौन से शुल्क ऐसे हैं जो मंथली लगते हैं, स्कूल की फी लगती है मासिक शुल्क की। अच्छा, अब आपके घर में जो टीवी चलती है वो भी रिचार्ज होती है मंथली, मासिक, फोन भी आप मंथली रिचार्ज कराते हो तो वो भी मासिक, मतलब महीने में होने वाला जो एक महीने के बाद होता है वो मासिक। इसी तरह से देखो संसार, संसार से बन गया, संसारिक नहीं है, संसारिक मत पढ़ना इसको, क्या है ये, सांसारिक, पढ़ो मेरे साथ बोला करो, जब जब वीडियो देखते हो मेरे साथ उच्चारण किया करो, सांसारिक, ठीक है। अगला देखो प्यास, अब प्यास तो संज्ञा है, इसका विशेषण क्या बन जाएगा, प्यासा। देखो विशेषण बनाते समय हमेशा ध्यान रखो कि क्या आप जो विशेषण बना रहे हो उसके साथ कोई संज्ञा लगा सकते हो। अब आप क्या लगा सकते हो, प्यास आदमी या प्यासा आदमी, प्यासा आदमी या प्यास आदमी, प्यासा आदमी बोलोगे ना, तो ये विशेषण है, ठीक। ठंड, तो ठंड से बन गया ठंडा, क्या बन गया, ठंडा। दो, दो से क्या बना, दो से दूसरा। कृपा, कृपा मीन्स दया, और जो दया दिखाए उसे वो क्या बोलते हैं, कृपालु, लु छोटी भी मात्रा। भूख, भूख संज्ञा है और भूख से क्या बनगा, क्या बना विशेषण, भूखा, भूखा भूखा नहीं होता है, का नहीं बनाते, भूखा। अच्छा ये क्या है, जहर, नुक्ता लगाए ना तो बोलेंगे जहर, जहर, और ये नुक्ता मतलब बिंदी, बिंदी नहीं होती तो क्या होता, जहर। अब इसको जहर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, जहर, और जहर से क्या बना, जहरीला, क्या बना, जहरीला। नशा, नशीला। इसी तरह से गुलाब, गुलाबी, गुलाबी गुलाबी होठ, गुलाबी गुलाबी आंखें, गुलाबी पंखुड़ियां, तो ये विशेषण है। शक्ति, शक्ति से बना शक्तिमान आदमी, शक्तिमान जानवर, ठीक, और शक्ति जो है वो संज्ञा है। आगे देखो सच, सच से विशेषण क्या बना, सच्चा। अध्यात्म, अध्यात्म मतलब जैसे धर्म होता है उसी तरह से अध्यात्म होता है, तो इससे बना आध्यात्मिक, क्या बना, आध्यात्मिक, ठीक, स्पिरिचुअल। अपमान, अपमान से बना अपमानित। पल्लव, पल्लव से क्या बना, पल्लवित, क्या बना, पल्लवित,
पल्लवित का मतलब भी देखो यहाँ लिखा हुआ है, किसी ने लिखा होगा पहले से, नया, जो चीज नई होती है, एकदम नई नई। आपने देखा है जब सीडलिंग बनते हैं और जब पत्तियां निकलती हैं, जर्मिनेशन होता है, तो उसमें से नई नई कोपलें निकलती हैं, वो कितनी कोमल होती हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं पल्लवित, नया नया, नया नया, एकदम रोमांचित और नए नए भाव से भरा हुआ, कोमल, पल्लवित। पुलक, पुलक से बन गया पुलकित, पुलकित का मतलब होता है रोमांचित और पल्लवित का मतलब होता है नया, कोमल। ठीक। चाचा से बना चचेरा, चचेरा मतलब चाचा से संबंधित। श्रद्धा से बना श्रद्धालु, दया से क्या बना दयालु। ध्यान से पढ़ो एकदम, हर शब्द पर ध्यान देकर। नील से बना नीला, धन से बना धनी, बुद्धि से बना बुद्धिमान, वर्ष से क्या बना वार्षिक, वार्षिक मतलब साल का, साल में एक बार, मासिक महीने में एक बार, दैनिक दिन में एक बार, साप्ताहिक सप्ताह में एक बार। इस तरह से शब्द बहुत सारे बन जाते हैं। किताब, किताबी, किताबी ज्ञान मतलब किताब का ज्ञान। तो देखा आपने इतने सारे संज्ञा शब्द थे और इन संज्ञा शब्दों से हमने कैसे विशेषण बनाए। तो अब ये विशेषण जो बनाने वाला काम है, ये आपको होमवर्क में अपनी नोटबुक पर भी इसको करना है। एक तरफ सारे संज्ञा शब्दों को उतार लीजिए, फिर बुक बंद कर दीजिए और सारे विशेषण शब्दों को अपने आप बनाइए। कैसे बनाने हैं? खुद से बनाने हैं अपने आप। फिर चेक भी करने हैं कि हमने जो मात्रा लगाई है वो ठीक से लगाई है या नहीं लगाई है। तो ये थोड़े से दिए हैं, आप चाहो तो अपने घर में अपनी मम्मी से, पापा से, जो भी हिंदी आपको समझा सकते हैं उनसे और थोड़े से संज्ञा शब्द ले लीजिए और बनाकर देखिए कि उनसे आप विशेषण बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। ठीक है। अब जो प्रॉपर नाउन होते हैं, मतलब एक तरह से बोले कि हम जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं उनके विशेषण नहीं बनाते हैं, उनके विशेषण नहीं बना सकते। तो इस तरीके की संज्ञाएं आप किसी से भी या अपने मन में जो भी आपको समझ में आए वो लिख लीजिए और उनसे विशेषण बना सकते हैं बहुत सारे। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम सॉल्व करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। चलो चलो जल्दी से आंखें बंद करो और एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले आंखें बंद है ना सबकी। वेरी गुड। विशेषण की परिभाषा सुनाओ। हाँ सुन रही हूं मैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। वन मोर टाइम। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब बताओ विशेष्य क्या होते हैं? विशेष, हाँ हाँ याद है आपको, मुझे मालूम है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। मतलब जो संज्ञा होती है वही विशेष्य होता है, क्योंकि विशेषण किन की विशेषता बताएंगे? संज्ञा की। तो जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम क्या बताते हैं? किसी का रंग, रूप, आकार, दशा, गुण, दोष, इन सब के बारे में बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण में क्या बताते हैं? कि गिनती करने पर कोई चीज कितनी है। परिमाणवाचक विशेषण में क्या बताते हैं? अगर हम उस वस्तु को तोले तो तोल कर वो कितनी है। और संकेतवाचक विशेषण में हम क्या बताते हैं? हम उसकी ओर संकेत करके बताते हैं कि वो वस्तु जो है वो कौन सी वाली वस्तु है। जैसे यह, वह, ये, वे, वो, इस तरीके के शब्द जो है वो संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न क्या है? जिन वाक्यों में सार्वनामिक विशेषण आया हो। अब ये सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? संकेतवाचक विशेषण को ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, तो उस पर आपको सही का निशान लगाना है। कैसे? देखो, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, इसमें वह आया है। वह मेरी बहन है, अब इसमें भी वह आया है, लेकिन दोनों ही केस में जो वह है वो सर्वनाम है। तो अब हमें ढूंढना है विशेषण। तो विशेषण क्या होगा? मेरी बहन,
बहन के साथ मेरी लगा हुआ है, बहन के साथ में मेरी लगा हुआ है, तो यहाँ जो मेरी शब्द है किसकी बहन है, मेरी बहन है, तो मेरी जो शब्द है वो आपका सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड वाला, ये इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, कोई आदमी बाहर खड़ा है, कोई बाहर आया है, कोई आदमी बाहर खड़ा है और कोई बाहर आया है। अब कोई बाहर आया में कोई जो है वो सर्वनाम है, और कोई आदमी बाहर खड़ा है तो इसमें आदमी के साथ कोई है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो कोई है ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। आगे देखिए, वे घड़ियाँ बहुत पुरानी हैं, वे सब पुरानी घड़ियाँ हैं या घड़ी हैं, तो यहाँ पर वे जो शब्द आया है तो घड़ियाँ के साथ आया है, कौन सी घड़ियाँ, वे घड़ियाँ, आप संकेत कर रहे हैं, है ना, वे घड़ियाँ, कौन सी घड़ियाँ, वे घड़ियाँ, तो यहाँ पर जो वे है वो सार्वनामिक विशेषण है, और वे सब पुरानी घड़ी है तो वे सब जो है वो यहाँ पर सर्वनाम है, वो यहाँ विशेषण नहीं है। आगे देखिए, वह गाय को चारा दे रही है, तो यहाँ जो वह है वो सर्वनाम है, वह गाय मेरी है। अब आप कहोगे यहाँ पे भी वह गाय है, यहाँ पे भी वह गाय है, लेकिन ध्यान से पढ़ो, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है, यहाँ वह अलग है, गाय अलग है, वह गाय को चारा दे रही है, वह अलग है, ठीक, कोई है जो गाय को चारा दे रही है, और यहाँ पर क्या है, वह गाय मेरी है, वह गाय मेरी है, गाय के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर वह कोई पर्सन, दूसरा पर्सन नहीं है, तो यहाँ आप संकेत कर रहे हो, आप इशारा कर रहे हो, और संज्ञा के साथ में लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर वह जो है वो सार्वनामिक या संकेतवाचक, आप कुछ भी कह सकते हैं, विशेषण। थोड़ा सा मुश्किल है समझना, पर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, मुद्दा सिर्फ इतना है कि जहां पर संज्ञा के साथ विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया होगा तो वहां पर जो है वो विशेषण होगा, और अगर कोई भी शब्द जो है वो संज्ञा के स्थान पर आया है, अकेला आया हो, उसकी जगह पर आया है, तो वो सर्वनाम होगा। बार बार ये चीजें आपसे टकराएंगी, इसलिए आप इन्हें बार बार समझते रहिए। अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं, देखिए सही या गलत का निशान लगाना है, क्या लिखा है, जो संज्ञा की जगह आए, जो संज्ञा की जगह आए, क्या उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, नहीं, विशेषण हमेशा संज्ञा के साथ में आते हैं, संज्ञा की जगह पर नहीं आते, तो ये आपका गलत है। गुण आकार संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है। संख्या संबंधी विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, तो ये भी सही जवाब है। माप संबंधी विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ये भी सही जवाब है, तो ये आपके पहला गलत है और बाकी सारे सही हैं। आगे देखिए, शब्दों के साथ विशेषण के सही रूप चुनकर लिखने हैं, ये आपके विशेषण हैं और ये आपके विशेष्य हैं, तो पौधे बहुवचन है, तो पौधे के लिए आप क्या लगाएंगे, हरा पौधे के हरे पौधे, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं ना, हरे पौधे। लड़की, पतला लड़की या पतली लड़की, तो ये पतली लड़की। अब ये देखो, हरा का हरे बना सकते हैं ना, वर्तनी में मतलब इसकी चेंज कर सकते हैं, तो ये कैसे कैसे शब्द हैं, विकारी शब्द हैं, पतला पतली विकारी शब्द हैं, बड़ा बड़ी विकारी शब्द हैं, क्योंकि आप इनमें विकार कर सकते हैं, आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, तो जितने भी विशेषण होते हैं सब विकारी शब्द होते हैं। तो लड़की के लिए पतला या पतली, पतली लड़की। पेड़ के लिए क्या लगाओगे, बड़ा या बड़ी, बड़ा पेड़, ठीक है। इधर देखो आप, चिड़िया, छोटा चिड़िया, छोटी चिड़िया, क्या आएगा, छोटी चिड़िया। नदियां, बहुत सारी नदियां, तो गहरा नदियां या गहरी नदियां, पता है आपको, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी दिमाग में आ रहा है कि गहरी नदियां ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता है। बस्ता, बैग आपका, जो आप स्कूल में आजकल नहीं ला रहे हो क्योंकि स्कूल में खुद आ ही नहीं रहे हो। हल्का, हल्के, तो हल्का बस्ता कि हल्के बस्ते, सोचो, हल्का बस्ता या हल्के बस्ता, क्या आएगा, सिंगुलर है ना, तो हल्का बस्ता। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी क्यूट सी फनी सी एक्सरसाइज हैं, इजी होती हैं, फटाफट से आप समझ लेते हो, फटाफट से आप उन्हें लिख लेते हो, बस राइटिंग थोड़ा सा और अच्छा लिखा करो, ठीक है। चलो आगे लेके चलती हूँ मैं आपको, वन मोर क्यूट एंड फनी एक्सरसाइजेस फॉर यू स्टूडेंट्स, क्या है देखिए, बॉक्स में लिखे शब्दों में से विशेषण शब्द चुनकर नीचे लिखिए। अच्छा, मुझे ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें बहुत कम लिखना पड़ता है ना और दिमाग अच्छा चलता है वो अच्छी लगती है मुझे, जिसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है वो खराब लगती हैं। अब इसमें क्या करना है, विशेषण शब्द चुनकर जो है वो आपको लिखना है। तो पहला शब्द क्या है, सब पहले से ही लिखा हुआ है, बराल।
चीटिंग मत किया करो, ठीक है? मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं कर रही इसमें से। पहला शब्द लिखा हुआ है कलम। अब कलम बताओ विशेषण है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है, क्या है? फटाफट बोलो। कलम नाम है किसी का तो संज्ञा है, ठीक है? छोटा, छोटा तो कोई बच्चा होगा ना, तो विशेषण है, तो ये इसका सही आंसर है। एकदम, अब एकदम के साथ आप संज्ञा लगा सकते हो, एकदम नहीं, तो ये जो है वो विशेषण नहीं है। एक, एक तो संख्या है तो संख्यावाचक विशेषण है। बड़ा, बड़ा भी किसी का क्या है? साइज है ना, आकार है ना, ये भी आपका गुणवाचक विशेषण है। कोट, कोट तो किसी का नाम है तो संज्ञा है। सुंदर तो किसी का गुण है ना, गुणवाचक विशेषण है। सुंदरता, सुंदरता ये जो है ना इसमें भाव आ रहा है, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नया, नया भी किसी का गुण है तो ये गुणवाचक विशेषण है। नवीनता, ये भी भाव आ रहा है तो ये भाववाचक संज्ञा है। ता जिसमें लगा होता है समझो भाववाचक संज्ञा है। मोटाई, ई जिसमें लगा होता है लिखाई पढ़ाई मोटाई लंबाई चौड़ाई ये सब भाववाचक संज्ञा है। मोटा, मोटा आदमी या मोटाई आदमी क्या लगा सकते हो? मोटा आदमी ना, तो जिसके साथ आप कोई संज्ञा लगा सकते हो वो सब क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो कौन कौन से विशेषण हुए? छोटा, नया, मोटा, सुंदर, बड़ा और एक। बस छह विशेषण हैं। जल्दी से हो गई आपकी एक्सरसाइज? जो भी मैं करा रही हूँ ना एक्सरसाइज, नोटबुक पे जरूर कर लेना, और वो भी सुंदर सुंदर राइटिंग में, ठीक है? चलो अगला देखो। दोनों वर्गों से एक एक शब्द चुनकर सही जोड़े बनाकर नीचे लिखिए। चलो लिखते हैं। मोटा, मनोहर, बहुत सुंदर है ना। मधुर, मीठा, पुरानी। इधर है शांत, गोरी, नया, सुंदर। इधर है नृत्य, मेज, वातावरण, लकड़ी, लड़की सॉरी, और भालू, कहानी, गीत, ध्वनि। ये मतलब इधर जो दिए हैं वो सारे विशेषण दिए हैं, और जो इधर दिए हैं वो सारी संज्ञाएं दी हैं। तो इनके साथ में कौन सा लगाओगे ये आपको देखना है। क्या क्या बनते हैं देखो। मोटा, मोटा नृत्य हो सकता है, डांस नहीं ना। मोटा मेज हो सकता है नहीं। मोटा वातावरण नहीं। मोटा लड़की नहीं। मोटा भालू मे बी कैन बी हो सकता है। मोटा कहानी नहीं। मोटा गीत नहीं। मोटी, मोटा ध्वनि नहीं। तो एक ही सही जा रहा है, मोटा भालू, तो इसका आंसर हो गया मोटा भालू। अब आ जाओ मनोहर। मनोहर मतलब आंखों को सुंदर लगने वाला, बढ़िया। तो मनोहर नृत्य हाँ हो सकता है, अच्छा डांस है ना, तो मनोहर के साथ नृत्य चला जाएगा। अब आ जाओ मधुर, मीठा। अब मधुर क्या आ सकता है? मधुर गीत आ सकता है ना, मीठा गाना, ये फिक्स हो गया। अब पुरानी, अब पुरानी क्या आ सकती है? पुरानी 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 कहानी आ सकती है, पुरानी मेज आ सकती है। अब क्या आएगा तो ये तो बाद में पता चलेगा, है ना। फिलहाल हम लिख देते हैं पुरानी कहानी। चलो शांत, शांत क्या आ सकता है? शांत वातावरण आ सकता है, और शांत लड़की भी आ सकती है। अब क्या लिखें हम? शांत वातावरण लिख देते हैं। गोरी, अब देखो गोरी के साथ लड़की आ गया ना, अब शांत के साथ लगा देते तो गोरी फिक के साथ क्या लगाते हम? इसलिए बहुत ध्यान से करने होते हैं, सारे कर लेते हैं फिर लिखते हैं। तो शांत वातावरण, गोरी लड़की। नया, अब नया क्या लिख सकते हैं? नया, नया गीत, नया गीत, नया के साथ गीत अच्छा लग रहा है ना, तो फिर हमने क्या लगाया था? गीत, मधुर गीत के साथ आप क्या लगा दो? मधुर ध्वनि लगा दो। मधुर के साथ ध्वनि और नया के साथ गीत लगा दो, ठीक है? अच्छा अब देखो सुंदर, अब सुंदर तो लड़की भी हो जाएगी, तो क्या करें हम? क्या करें, क्या करें, क्या क्या हमारा रह गया? सुंदर मेज रह गई। अच्छा गड़बड़ हो गई क्या? पुरानी के साथ हमने कहानी लगाया था, गोरी के साथ हमने लड़की लगाया था, नया हमने, नया के साथ हमने गीत लगा दिया था, तो सुंदर मेज लगा दो। मेज, मेज भी सुंदर हो सकती है। तो ऐसे करके आप अपने दिमाग से इसको लगा लेना, मजेदार एक्सरसाइज है, खुद करने में ज़्यादा मज़ा आता है ना। एग्री करते हो कि नहीं करते हो मेरी बात से? अगर मैं ये सब करा के रख देती हूँ आपको क्या लगता है? आप हो तो गई है सॉल्व, क्या दिमाग चलाऊं? तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती हूँ, तो आप खुद से सॉल्व करना, मजा आएगा इसको, ठीक है? चलो बारी आपकी। अरे भाई अभी तो हमारी ही बारी चल रही है सारी की सारी, आपकी बारी तो बस आने वाली है, स्कूल आपके खुलने वाले हैं बहुत जल्दी, है ना। तैयार हो जाओ, बैग वैग सब पैक कर लो, अपना यूनिफॉर्म वगैरह सब रेडी कर लो, अब तो स्कूल आना ही है। क्या है देखो, उपयुक्त विशेष जोड़िए। ये सारे फिर से वही सब चीज़ें दी हुई हैं, सारे विशेषण हैं, इनके साथ में आपको कोई बढ़िया से क्या जोड़ने हैं?
विशेष्य जोड़ने हैं। देखो, जैसे नया गाना जोड़ दिया, साफ कमरा जोड़ दिया, बारीक कहते हैं प्याज के बारीक बारीक टुकड़े, सुगंधित सुगंधित फूल, चौड़ा रास्ता, कुछ भी लगा लेना, जरूरी नहीं है यही लगाओ आप, काला बंदर, खुरदरा फर्श, पतला लड़का, अच्छा घर, नई मिठाई, जो अच्छी लगे आपको, जो भी आपको लगे कि हाँ ये विशेष बढ़िया लग रहा है ये आप इससे लगा सकते हो। लेकिन 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 एक काम मैं आपका इसमें बढ़ा देती हूँ। कैसे? जो भी आप विशेष लगाकर शब्द का युग्म तैयार करोगे, जैसे नया गाना, तो आपको क्या करना है, उस पर एक वाक्य प्रयोग अपनी तरफ से करना है। नया के साथ आप गाना लगाओ और फिर उसके नीचे एक वाक्य प्रयोग लिख दो। कैसे? आज मैंने एक नया गाना सुना और गाना बहुत ही सुंदर था। आज मैंने एक नया गाना सुना और गाना बहुत ही सुंदर था, गाना बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मजेदार था। जैसे मैंने लगाया साफ कमरा, साफ कमरे में बैठने का मजा ही कुछ और है, गंदा कमरा अच्छा नहीं लगता है, साफ कमरे में अच्छा लगता है। जैसे बारीक टुकड़े, तो मैंने तुमसे कहा था प्याज के बारीक बारीक टुकड़े करना और तुमने मोटे कर दिए। जैसे सुगंधित फूल, क्या कोई मुझे एक सुगंधित फूल भेंट में दे सकता है? चौड़ा रास्ता, इतने चौड़े रास्ते पर भी तुम नहीं चल पा रहे हो। काला बंदर, इस बंदर का मुंह कितना काला है। खुरदरा फर्श, तुम नंगे पैर इतने खुरदरे फर्श पर कैसे चलोगे। पतला लड़का, तो कुछ खाते पीते क्यों नहीं हो, कितने पतले लड़के हो। अच्छा घर, मैं बड़े होकर अपने मम्मी पापा के लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। नई मिठाई, क्या ये नई प्रकार की मिठाई है, मैंने तो आज से पहले से कभी नहीं देखी है। तो कैसे लगे आपको वाक्य प्रयोग? देखो, परंपरागत तौर पे वाक्य प्रयोग मत बनाना, यह एक नई मिठाई है, वह एक अच्छा घर है, तुम एक पतले लड़के हो, यह एक खुरदरा फर्श है, कोई वाक्य प्रयोग हुए बताओ। ये वाक्य प्रयोग का मतलब क्या होता है कि आप जो रोज सेंटेंस बोलते हो घर में या किसी से बात करते समय, आप उन बातों में इनको लाओ। अगर आप उन बातों में इनको लाओगे तो वाक्य प्रयोग करने का मजा ही आएगा, अलग ही। लेकिन अगर आपने वैसे ही रोज का, जैसे आप बनाते हो ना, बोरिंग से वाक्य प्रयोग बना देते हो, यह वह लगा के, ऐसी वाक्य प्रयोग अगर बनाने बैठो तो कृपया करके मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़कर, ऐसे मत करना, प्लीज 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 ऐसे मत करना। वाक्य प्रयोग बनाना मजे से बनाना, फैंसी वाक्य प्रयोग बनाना, अच्छे वाक्य प्रयोग बनाना, ठीक है, मजा आएगा आपको। चैप्टर आपका एंड कर दिया है। अब अगले वीडियो में अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत जल्दी हम मिलेंगे। बाय बाय।